जीठा जी, आपने कभी फुटबॉल खेला है? नहीं नहीं, उनको तो पसंद ही नहीं है फुटबॉल। जीठा जी, आपको फुटबॉल खेला नहीं पसंद है? अरे नहीं, किसने बोला भाई? नहीं, आपने ही तो बोला था जीठा अंकल। गोली एक तो तू पूरी बात एक तो सुनता नहीं है, आधी बात सुनता है, फिर जो मन में आया वो गलत सलत उसका मतलब निकल के बैठ जाता है। मैंने क्या बोला? यही कि एक बॉल के पीछे इतने सारे प्लेयर्स इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते रहते हैं, उसमें क्या मजा? बराबर। तो मेरे कहने का मतलब समझ बेटा, क्या अभी क्रिकेट में भी देखो कोई टिचोक टिचोक खेलता है, प्लेट प्लेट खेलता है तो मजा आता है? नहीं ना, ऐसा फोर मारे सिक्स मारे तो मजा आता है कि नहीं? वैसे ही अगर फुटबॉल में कोई धड़ाधड़ गोल मारे तो मजा आता है। अभी खाली बॉल के पीछे इधर से उधर दौड़ते ही रहे तो उसमें क्या मजा? ये कहना चाह रहा था बेटा मैं, क्या अच्छे खिलाड़ी हो वो अच्छा फुटबॉल खेले तो देखने का भी मजा आता है, उनके साथ खेलने का भी मजा आता है, ऐसा कह रहा था वो पिताजी मैं। ठीक है जेठा अंकल, तो आप हमारे साथ खेलिए ना, आज तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर भी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो तेरी बात बराबर है, लेकिन आज अभी मुझे दुकान जाना है, फिर कभी। हाँ ओके चल। अरे खेलिए ना जेठा जी, थोड़ी देर के लिए प्लीज। लेकिन क्या अभी इसमें एकदम दौड़ना पड़ेगा ना? और जय डाला दौड़ सकता नहीं है। अरे यार भाई, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एकदम दौड़ूंगा तो पसीना होगा, पसीना होगा तो फिर से नहाने जाना पड़ेगा, तो मुझे दुकान जाने में और लेट हो जाएगा। ठीक है जेठा अंकल, तो एक काम करते हैं, हम लोग पेनल्टी शूट आउट खेलते हैं। अब उसमें ना मत बोलना, उसमें तो आपको दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ आपको किक मारनी है और गोल करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। तो आपके और बबीता आंटी के बीच पांच पांच गोल की एक पेनल्टी शूट आउट मैच खेलते हैं, जो ज्यादा गोल करेगा वो जीत जाएगा। तो बबीता आंटी, आपका गोली होगा टप्पू, और जेठा अंकल आपका गोली पिंकू। चलिए जेठा अंकल रेडी। अरे ये पिंकू तो एकदम स्फूर्तीला है, ये तो मुझे गोल करने ही नहीं देगा, उसकी जगह अगर गोली गोली हो तो मैं आराम से गोल कर सकूंगा। अच्छा गोली बेटा, मेरे लिए गोली पिंकू क्यों, तू क्यों नहीं, डर गया क्या मेरी किक से? ओ अंकल ठीक, आपके लिए गोली गोली बस। चलो आशा चलो, मतलब चलो चलो चलो। सॉरी बापू जी, वो मैं फुटबॉल को लात मारने गया तो पता नहीं कैसे पैर में से जूता ऐसे निकल के उड़ा। बापू जी कहीं का, सॉरी बापू जी सॉरी। अरे ये कोई उम्र है तेरी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने की, और दुकान जाने की बजाय यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे? अरे नहीं नहीं दादाजी, वो हमने रोक लिया था जेठा अंकल को। अच्छा मतलब बच्चों ने रोका और तू रुक गया? अरे बोलना चाहिए ना कि तुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है बापू जी, मुझे फुटबॉल खेलना आता है।
तू कब खेला? बचपन में। किधर? गांव में। ये भाई, अपने गांव में तो आज भी किसी को पता नहीं होगा कि फुटबॉल क्या है। बचपन की बात कर रहा है। और तू बचपन में क्या खेलता था ना, वो मुझसे पूछ। गिली डंडा, कंचे और लट्टू, इसके अलावा कुछ खेला है तू? क्या जड़ेलाल, फुटबॉल नहीं खेला है तो बोलने का ना नहीं खेला है, इसमें इतना झूठ किया बोलने का? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं खेला हूँ फुटबॉल। ओके, हर बार बचपन में वेकेशन पड़ता था ना, तो वेकेशन में मैं मामा के घर पे जाता था, तो उनके गांव में मैं बहुत खेला हूँ बापूजी फुटबॉल। वहाँ क्या बापूजी नहीं होते थे ना, तो उन्होंने मुझे फुटबॉल खेलते हुए देखा ही नहीं है, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मुझे आता नहीं है, फुटबॉल में कभी खेला ही नहीं हूँ ऐसा। आज अभी मुझे दुकान जाना है, तो मैं अपना हुनर अभी यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन किसी दिन मौका मिला ना यार भाई, तो मैं दिखाऊंगा आपको गोल करके। चलो बबीता। ओके, अरे आप चलो बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ।